परिवार को देंगे सांत्वना। आज अखिलेश यादव जाएंगे झांसी, करगुआ खुर्द जाने वाले हैं। पुष्पेंद्र यादव का पुलिस ने एनकाउंटर किया था, इस पर देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को बताया फर्जी और अब इसी के बाद वो झांसी का दौरा करेंगे। तो पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पुष्पेंद्र के अंतिम संस्कार पर पुलिस भी घिरी, पुलिस पीआरओ सेल ने वीडियो भी जारी किया। तो पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर का मामला, पुष्पेंद्र के अंतिम संस्कार पर पुलिस घिरती हुई नजर आ रही है। पुलिस पीआरओ सेल ने वीडियो जारी किया है और झांसी पुलिस ने वीडियो जारी कर सफाई भी दी है। वीडियो में सफाई दी गई है, पुष्पेंद्र के घर के सामने सीओ मौजूद दिख रहे हैं। तो पुलिस पीआरओ सेल ने वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई दी। कृपया अवगत कराना है, मुकदमा अपराध संख्या 191/19, धारा 307, 186, 411, 34 आईपीसी व 3/5/25/26 आर्म्स एक्ट, थाना गुड़सराय जनपद झांसी में मृतक पुष्पेंद्र सिंह यादव पुत्र हरीश चंद्र यादव निवासी करगवा खुर्द थाना एरएच जनपद झांसी के शव को पोस्टमार्टम के उपरांत आप परिवारी जन द्वारा अपनी सुपुर्दगी में नहीं लिया गया, उक्त शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया आप परिवारी जन के द्वारा, जिसके कारण उक्त शव का थाना प्रेम नगर के मोहल्ला सुमेर नगर मुक्तिधाम में विधि विधान से नियमानुसार किया जाएगा। आप लोग परिवारी जन, ग्रामवासी आदि रिश्तेदार उक्त मृतक पुष्पेंद्र सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए समय से उपस्थित हो। कृपया अवगत कराना है, तो देखिए माइक से परिजनों को सीओ दे रहे हैं सूचना। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला हम बताते हैं। सवालों में एनकाउंटर, गाड़ी पर गोली के निशान क्यों नहीं, ये सवाल उठता है। मामले की जांच में देरी क्यों हो रही है, ये भी बड़ा प्रश्न है। और क्या जांच में सच सामने आएगा, ये भी सवाल उठ रहा है इस वक्त। एनकाउंटर को लेकर दोषी इंस्पेक्टर पर कब दर्ज होगा मुकदमा, निर्दोष परिवार को कब मिलेगा न्याय, ये सवालों में एनकाउंटर है जिसको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, देखिए पुलिस मामले को दबाना चाह रही कि नहीं, कब तक इसमें न्याय मिलेगा, हर कोई जानना चाहता है। गाड़ी पर गोली के निशान क्यों नहीं, तो ये तमाम सवाल जो इस पूरे मामले में खड़े होते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच में देरी क्यों है, क्यों गाड़ी पर निशान नहीं पाए गए। पुष्पेंद्र ने थाना प्रभारी को फोन किया, पुलिस की थ्योरी क्या ये आपको बता रहे हैं। पुष्पेंद्र चौहान धर्मेंद्र चौहान से मिलना चाहता था। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र दो दिन के लिए घर गए थे और ये पुलिस की थ्योरी क्या है वो आपको समझा रहे, अपनी कार से मोट के लिए और पुष्पेंद्र ने इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी, ये पुलिस की कहानी सामने आ रही है। इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर पुष्पेंद्र भाग निकला, बाद में पुष्पेंद्र को एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो पुलिस की ये पूरी थ्योरी क्या है जो इस पूरे मामले में वो सुनाती हुई नजर आ रही है, वो हमने आपको भी ग्राफिक्स के जरिए बताई। तो देखिए भाई पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अभिषेक पांडे, झांसी से हमारे सहयोगी एसएस झा जुड़ चुके हैं। एसएस झा, देखिए राजनीति तूल पकड़ रहा है पूरा मामला, पुलिस की अलग थ्योरी है और जो परिवार वाले हैं उनकी अलग थ्योरी, के प्रश्न यही, न्याय कब तक मिलेगा। देखिए पुलिस की बात करें तो पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव पर मुकदमे भी खोल दिए हैं, लड़की भगाने का मामला भी खोल दिया है। तमाम ऐसे मामले पुष्पेंद्र यादव खोले हैं, जो पुष्पेंद्र यादव ने पूरे मामले हुए या ना हुए, लेकिन पुलिस ने ये मामले खोल दिए। पुलिस कहीं ना कहीं बस्ती नजर आ रही है, पुलिस सिर्फ दबाव बना रही परिवार वालों पर, और लेकिन परिवार वालों का जिद है कि हमारे बेटे, हमारे पुत्र का न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से मृतक की पत्नी का आरोप है कि एसएचओ ने, उस धर्मेंद्र चौहान ने हमारे पति को बुलाया था और हमारा पति पैसा लेके गया था, इसके बाद
उसके बाद वहाँ उसको हत्या कर दी, परिवार वालों को आरोप है। इसके बाद आप बराबर परिवार वाला न्याय मांग रहा है कि हमारे पति को न्याय मिले, हमारे पति की मौत का न्याय मिले। जिस तरीके से झांसी जिले की बात करें, ललितपुर जिले की बात करें, मऊरानीपुर जिले की बात, तमाम लोग यहाँ पुष्पेंद्र यादव के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। आप मौत की बात करें, मौत में तमाम लोग धरने पर बैठे हुए थे, तेज बहादुर सिंह भी धरने पर बैठे हुए थे, उनको देर रात तक पुलिस ने पकड़कर ले जाकर वहां पर झांसी में जेल कारागार में बंद कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र यादव के मामले को दबाने में पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे जहाँ पुलिस इस पूरे मामले को दबाना चाह रही कि नहीं दबाना चाह रही, क्या पूरी सच्चाई इस पूरी घटना की, ये जब जांच पूरी होगी तब पता चलेगा। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, देखिए योगी आदित्यनाथ के जो पुलिस एनकाउंटर है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं और ये एनकाउंटर अब कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कैसे में ऐसी स्थिति में किस तरह से पुलिस अपनी बात सामने रखेगी और कब तक ये मामला सुलझेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, एक के बाद एक जो मामले खुलते चले आ रहे हैं, इस पूरी घटना के पीछे जो तस्वीर सामने आ रही है उसने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। अब 5 मुकदमे भी दिखाए जा रहे हैं पुष्पेंद्र यादव पर, ये बताया जा रहा है कि ये रेगुलर ऑफेंडर रहा है, इससे पहले 5 मुकदमे रहे हैं, हालांकि बेहद मामूली धाराओं में वो मुकदमे दर्ज रहे हैं। लेकिन जो परिवार की तरफ से आरोप लग रहा है और जो पुलिस की थ्योरी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं और ऐसे में ये एनकाउंटर पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ गया है। मेरे ठीक पीछे अखिलेश यादव का घर है, वो भी यहाँ से थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तो समझा जा सकता है कि राजनीति इस पर तेज होने जा रही है। अखिलेश यादव वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलेंगे और ये मांग की गई है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और इससे पहले भी जो एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में, तकरीबन 10 एनकाउंटर ऐसे रहे हैं जो सस्पिशियस रहे हैं और जिनके खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस भी दिया है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अखिलेश यादव तो आज झांसी जाने वाले हैं, जो परिवार वाले उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए ये भी कह दिया गया है साफ लहजे में सपा की तरफ से भी, और जो कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, वो कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है आरोपी जो इंस्पेक्टर उसके खिलाफ, तो वो उग्र हो जाएंगे और ज्यादा। तो किस तरह से आगे प्रदर्शन करेंगे अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बना रही है सपा? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी यही है कि एक विषय उनको मिला है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्वेश्चन करने का सरकार को, एक पुलिस का एक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार पर एक कोशिश है समाजवादी पार्टी की दबाव बनाया जाए कम से कम कानून व्यवस्था को लेकर के। पिछले 1.5 साल से अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं उसको सच साबित करने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार पर दबाव बनाने के लिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाने के लिए, ये भी खबर है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिलेगा आज देर शाम तक मिल सकता है। अखिलेश यादव खुद जा रहे हैं झांसी, तो जाहिर तौर पर इस पर राजनीति भी तेज है और जब तक कोई कॉन्क्रीट कोई ठोस निर्णय नहीं होता समाजवादी पार्टी का ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए हमारे साथ झांसी से एसएस झा भी जुड़े हुए, एसएस झा के पास चलेंगे। एसएस झा, देखिए अब ये भी कहा जा रहा है जो गांव वाले हैं जो पुष्पेंद्र के, वो कह रहे हैं कि एसएसपी और धर्मेंद्र चौहान आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल सही, परिवार के लोग कह रहे हैं कि झांसी के जो एसएसपी हैं जो धमकाते हैं परिवार वालों को, धमकाते हैं तुमको सारे लोगों को बंद कर दे। देखिए एक वीडियो धर्मेंद्र हमारे साथ सपा से एमएलसी वो भी जुड़ चुके हैं सीधे। सर देखिए अब ये एनकाउंटर है या हत्या है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर कब तक इसमें जांच पूरी होगी? उदयवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? हाँ, इसमें सवाल नहीं खड़े हो रहे, ये जवाब मिल गया है कि ये पूरी हत्या ही है। जी हत्या है और इस हत्या में एसएसपी खुद शामिल है, वो 120B के मुलजिम है षड्यंत्र करने के और तथ्यों को छिपाने के, सबूतों को छुपाने के। क्योंकि अब तक आज की तारीख तक ये ऑल डिटेल आ गई होगी पुलिस के पास कि कितनी बार एसओ ने मृतक से बात की, उनकी मोबाइल लोकेशन आ गए होंगे। ये आप सब लोग लगातार दिखा रहे हैं कि उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, अकेले में एसओ ने बुलाया परिवार के, इतनी सारी बातें सेक्चुअली साफ होने के बाद भी पुलिस का मुकदमा दर्ज न करना, रातों रात जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार करा देना सारे हिंदी रीति रिवाजों के विपरीत और परिवार को धमकाना,
और उसके बाद आज तक कोई संज्ञान नहीं लेने का, इससे पता क्या सबूत होगा। देखिए उदयवीर सिंह जी, सवालों के घेरे में तो है पुलिस भी, और जो अलग अलग तरीके से बातें सामने रही उसको लेकर भी प्रश्न खड़े जरूर होते हैं। लेकिन देखिए सपा हल्ला बोल रही है और अखिलेश यादव जो कि आपकी पार्टी के प्रमुख है उनका भी देखिए तेवर अब काफी तल्ख नजर आ रहा है। आगे किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, खबरें आ रही कि सपा का आंदोलन और उग्र हो सकता है। सुनिए सुनिए, ऐसा है हम उग्र आंदोलन नहीं करते, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं जी। इससे पहले बदायूं में सतपाल मौर्य की पुलिस कस्टडी में पकड़ के हत्या कर दी, उसको सांसद धर्मेंद्र यादव उठा रहे थे। ये सरेआम मर्डर कर रहे हैं उसके बाद भी विपक्ष के लोग चुप बैठे रहे हैं, और मुझे तो बड़ा गुस्सा इस बात पे आता है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे मंत्री ने शर्मनाक बयान दिया कि हम लोग अपराधी और उनको शरण दे रहे हैं। सारे अपराधी सरकार में बने हुए हैं, चिन्मयानंद जी पे इतने दिन तक मुकदमा ही दर्ज नहीं हो पाया है, तमाम लोग अपराधकारी भ्रष्टाचारी को सरकार संरक्षण दे रही है, मंत्री बना रही है, और विपक्ष जेन्युइन बात उठाए उस पर भी सवाल, ये इतना भी बोलने को तैयार नहीं है कि हम जांच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उदयवीर सिंह जी आपका बातचीत करने के लिए, जो आपकी बातें थी वो आपने सामने रखी, लेकिन अब सवालों के घेरे में तो पुलिस की कार्रवाई जरूर है। हमारे साथ तो मनीष शुक्ला है, बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी देखिए अब सवालों के घेरे में है ये पूरी घटना जो झांसी में हुई है, पुष्पेंद्र यादव की जो हत्या है, क्या एनकाउंटर, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल आपकी सरकार पर भी है क्योंकि आपकी सरकार है, और इस तरह से एनकाउंटर जो लगातार हो रहा है उसमें अब ये घटना काफी तूल पकड़ चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए सभी एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट की जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच के पश्चात कोर्ट में चार्जशीट जाती है जी, और जब वहाँ से ओके होता है तभी उस जांच इनकाउंटर को सही या गलत माना जाता है। हमको लगता है कि मजिस्ट्रेट जांच और न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए सर, जांचशीट तो अभी तक नहीं हो पाई ना पूरी, सवाल तो यही है कि जल्द से जल्द जांच हो, सच्चाई सामने, तो जांच में देरी क्यों हो रही है, अभी तक ये पूरा मामला सुलझ क्यों नहीं पा रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए सभी जितने भी इनकाउंटर होते हैं उसकी आवश्यक रूप से मजिस्ट्रेट जांच होती है जी। तो हमको लगता है कि मजिस्ट्रेट जांच के रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए अखिलेश जी को, और सरकार न्याय के साथ रहेगी। और रही बात अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, कोई भी इनकाउंटर अभी मजिस्ट्रेटियल जांच में गलत नहीं साबित हुआ है। सर देखिए अखिलेश क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो बात की बात है, 5 अक्टूबर की घटना है मनीष जी, ये 5 अक्टूबर की घटना है, आज 9 तारीख हो गई है, आप और आपके प्रशासन को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, देरी क्यों, प्रश्न यही है क्यों देर लग रही है, अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। अब तो नहीं, इनकाउंटर की पूरी प्रक्रिया है, इनकाउंटर के पश्चात मजिस्ट्रेट जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच होने के पश्चात उसकी रिपोर्ट न्यायालय में जाती है, और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा जो भी इनकाउंटर किए गए हैं किसी भी मजिस्ट्रेट जांच में फर्जी नहीं पाए गए अभी तक। अच्छा आप बाकी के एनकाउंटर आप बता रहे कि फर्जी नहीं पाए गए हैं, लेकिन सवालों के घेरे में हमेशा रहे हैं पुलिस एनकाउंटर जितने भी अभी तक ये हुए हैं, लेकिन अब ये जो एनकाउंटर हुआ मनीष जी, मैं इसमें आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, आप किस तरह से देखेंगे इसको? हमारे पास जो देखने के जो तरीके हैं वो आप भी, आपको भी मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं लगातार, और ऐसे जा भी हैं तो सबसे पहले अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक देखिए आज अखिलेश यादव जाने वाले हैं झांसी, क्या अपडेट है कि आपके पास, कब तक निकल लेंगे यहाँ से लखनऊ से झांसी के लिए अखिलेश यादव? देखिए 10 बजे का समय था अखिलेश यादव के मूवमेंट का, लेकिन थोड़ी देरी हुई है इसमें, बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहां से निकलेंगे अखिलेश यादव और सीधे घटनास्थल पर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी की झांसी की जो जिला इकाई है वहां पर प्रदर्शन कर ही रही है, वो भी अखिलेश यादव के साथ पीड़ित परिवार के पास जाएगी, वहां पर उनसे मुलाकात करेगी। तो अब से थोड़ी देर में ये मूवमेंट लखनऊ से शुरू होगा अखिलेश यादव का। एक खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज राज्यपाल के पास जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत लेकर के। जी अभिषेक आपने अहम जानकारी दी कि राज्यपाल के पास भी जा सकता है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर या मर्डर, ये सवाल है कब तक ये पहेली सुलझेगी, इस पर सभी की नजर है, और सवालों के घेरे में पुलिस भी और
सरकार भी कि आखिर देरी क्यों हो रही है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, वो भी आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को परेशान करने के कई तरीके अपनाए, बाढ़ बारिश से बर्बाद फसल का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को किसान की याद केवल विज्ञापन में आती है। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव है, ये सरकार को घेरती हुई। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में वायु की जो क्वालिटी है वो काफी खराब हो गई है। विजयादशमी के अवसर पर जलाए गए पटाखे, दिल्ली एनसीआर में वायु की क्वालिटी खराब, विजयादशमी के अवसर पर पटाखे जलाए गए। पटाखे जलाने की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ा है दिल्ली एनसीआर में। किसानों ने पराली जलाना शुरू किया, लगातार खराब हो रही है वायु की गुणवत्ता दिल्ली एनसीआर में। और विजयादशमी के अवसर पर जब पटाखे जलाए गए तो उसकी वजह से और भी ज्यादा वायु प्रदूषण हुआ। हमारे साथ रवि सर्राफ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए विजयादशमी का कल अवसर था और दिल्ली की जो आबो हवा उस पर देखिए अक्सर कहा जाता है कि वहां की जो वायु की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी, वो खराब है। अब और कहा जा रहा है कि वायु क्वालिटी खराब हो गई वहां की। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? जी शिवांगी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। पिछले हफ्ते से ही लगातार किसान जो है हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना शुरू कर दिए थे, और कल विजयदशमी के अवसर पर जिस तरह से आतिशबाजी हुई और जो रावण के अंदर जो पटाखे लगाए जाते हैं उसके वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो खराब हो चुकी है। और मौसम विभाग के मानना है कि अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी, जिसके वजह से हवा की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो जाएगी और जो तमाम जो गंदगी के जो कण है वो हवा में नजर आने लगेंगे। तो ऐसे में हवा की गुणवत्ता धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में खराब होने लगी है। और अब आने वाले समय में दीपावली भी है, तो ऐसे में ये तमाम जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि दीपावली में भी हवा जो है दिल्ली की खराब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आतिशबाजी होती है दिल्ली एनसीआर में उसका एक बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं दिल्ली की हवाओं पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से कल विजयदशमी पर आतिशबाजी हुई है और लगातार पंजाब हरियाणा में जो किसान है वो पराली जलाना शुरू कर दिया, तो एक चिंता का विषय है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, बेहद चिंता का विषय जरूर है। और देखिए ऐसे में कड़े कदम तो उठाने चाहिए क्योंकि दिवाली भी ऐसे में और आबो हवा वहां की खराब हो सकती है। बरेली से अगली खबर, जहां आपको बता दें कि शोहदे को लोगों ने जमकर पीटा, छेड़छाड़ को लेकर जमकर पिटाई की गई, लड़की के परिजनों ने की पिटाई, पुराने पासपोर्ट ऑफिस के पास ये पिटाई की गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो छेड़छाड़ के आरोप के बाद देखिए शोधे की पिटाई करते हुए पुराने पासपोर्ट ऑफिस के पास ये शोधे की पिटाई हुई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बरेली की खबर हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ शोधों को जमकर पीटा लोगों ने। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शोधे को लोग पीटते नजर आ रहे हैं। कई लोग वहां पर इसको घेर कर पीटते हुए, लड़की के परिजनों ने पिटाई की शोधे की, और तस्वीरें भी देखिए वीडियो में साफ तौर पर आपको नजर आ रही है किस तरह से लगातार उस पे प्रहार करते हुए, पेट पे, सिर में मारते हुए ये शख्स इस शोधे को नजर आ रहा है। और जो लड़की के घर वाले थे वो इस शोधे को पीटते हुए नजर आए। छेड़छाड़ को लेकर ये मारपीट हुई है। तो बलरामपुर से अगली खबर, जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। बलरामपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में बवाल हुआ, विसर्जन के दौरान दो गुटों में हुई पत्थरबाजी। तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये बवाल और दो गुटों में पत्थरबाजी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेके भारत समाचार पर आप देख पा रहे हैं। आवाजें इतनी भयानक है कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थरबाजी कितनी तेज। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस खबर पर जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सलीम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सलीम, देखिए बलरामपुर की खबर है, कहा जा रहा है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, ये तस्वीरें हमने दिखाई एमबीएस भी दर्शकों को सुनाए, काफी भयानक आवाजें इससे आती हुई। तो इतनी बड़ी पत्थरबाजी इतनी घातक तरीके से क्यों की गई? मैं चाहूंगी बताना चाहूंगा कि ये पतपुरवा थाना के हरखड़ी गांव का मामला है। कल जब यहाँ पे दुर्गा प्रतिमा विसर्जित किए जा रहे थे उसी दरमियान
जो डीजे लगा हुआ था उसके साथ साथ जो अभी गुलाल उड़ाए जा रहे थे उसी को लेके ये विवाद हुआ, और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों में पत्थरबाजी होने लगी, लोग एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में 8 लोगों को चोटें आई हैं। उसके अलावा पुलिस, सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि पुलिस वहां पे मौजूद थी और पुलिस पूरी तरीके से इसको रोक नहीं पाई। अगर थोड़ा सा पुलिस एक्टिव होती तो संभवतः ये घटना ना होती। बिल्कुल सर, देखिए पुलिस एक्टिव होती तो घटना नहीं होती, लेकिन देखिए 8 पदवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, सलीम ये भी कहा जा रहा है, तो उनसे क्या कुछ अभी तक पुलिस ने पूछताछ की है और एक की हालत बताई जा रही, गंभीर भी, उसकी हालत कैसी? हाँ जी जी, इसमें पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा पुलिस ने 4 टीमें इन जो दंगाई है इनको गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें बनाई है जो जगह जगह पे दबिश कर रहे हैं। उसके अलावा जिले के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश है। अभी तक इस अच्छी बात यह है कि कहीं पे कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और इस पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ।